हमारे यहाँ तो भारत में परंपरा है और सनातन धर्म में माताओं को, बहनों को, बच्चियों को विशेष सम्मान प्राप्त है। अनादि काल से, देवताओं के समय से आप देखें कि यहाँ धन भव ऐश्वर्य की आवश्यकता है तो लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं दिवाली पर, ज्ञान की आवश्यकता है कला की सरस्वती की करते हैं, शक्ति की है तो नव दुर्गा की, यानी हमारे यहाँ माताओं का सम्मान सर्वोपरि है, शक्ति स्वरूप माताओं को मानते हैं। उसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में विशेष कार्य माताओं को लेकर किए गए, उसी श्रृंखला में आप देखें अब भारतवर्ष में क्या खेल कूद हो, क्या अध्ययन हो, क्या विज्ञान हो, क्या ज्ञान हो, सभी क्षेत्रों में बच्चियाँ अग्रणी हैं और बच्चियाँ अग्रणी होनी भी चाहिए। तो इसलिए हमारे बच्चियाँ यहाँ गनगोरी हमारे जिस विद्यालय में आज हम देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बच्चों ने काम किए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं, संदेश पेंटिंग के माध्यम से संदेश है और बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने कार्य किया और कई प्रकार के संदेश हैं, क्या क्या बताएं क्या ना बताएं। क्या था, पिछला 5 साल जो कांग्रेस का शासन था तो उसमें तुष्टिकरण की राजनीति होती थी और विशेषकर ऐसा ध्यान दिया जाता था कि जहाँ विशेष समुदाय के लोग हैं वहाँ पर ध्यान दिया जाता था और बहुसंख्य समाज के लोगों के लिए दूरी रखी जाती थी बजट की। लेकिन 8-9 महीने में सरकार आने के बाद जितना परिवर्तन हमारे जिन क्षेत्रों का छूता था उन पे जो किया जा रहा है वह अद्वितीय रहा है। लोगों ने ये तक कह दिया कि आज़ादी के बाद पहले बार हमारे काम हो रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि अभी 8-9 महीने में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। फिर अगस्त में बजट आया है, सितंबर से काम शुरू हो रहा है, तो सितंबर के काम आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नज़र आएंगे और 26 जनवरी तक को जब आप दोबारा पधारेंगे तो स्कूल कॉलेजों में बहुत परिवर्तन आएगा। हमने बहुत कुछ प्रयास किया है, सरकार तो अपनी स्थान पर कर ही रही है, भामाशाहों को भी सहयोग हमें अच्छा मिल रहा है और आने वाले समय में आप जनवरी जब 26 आएगी उत्सव होगा, हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा, उससे पहले बहुत कुछ स्कूलों में, शालाओं में, बच्चियों के स्कूलों में बहुत कुछ परिवर्तन आपको दिखे। शास्त्रों को मानने वाले हैं, शास्त्रों में उल्लेख है, कथा भागवत में उल्लेख है, उन बातों को हम लोग लेके चलते हैं। तो साईं बाबा का कहीं उल्लेख उसमें आया नहीं है किसके अवतार हैं, कौन है, क्या है। ठीक है, वो किसी के लिए आइडियल हो सकते हैं, मैं किसी की सम्मान में कमी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहता, लेकिन अपना अपना भाव है। लेकिन मैं मेरी ओर से अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से निवेदन करता हूं सनातनियों को कि साईं बाबा के बारे में जो लिखित लेख है वो ये है कि वो एक मुस्लिम समाज से थे, कोई बात नहीं, हो सकते हैं। दूसरा वो कि सभी कुछ भक्षण करते थे, मांस इत्यादि भी खाते थे, ऐसा भी उल्लेख आ रहा है। फिर हमारे सनातन में देवी देवताओं का जो स्थान है, मंदिर हैं, उनसे हमें शक्ति प्राप्त हो रही है, तो हमें कोई नई साईं की आवश्यकता नहीं। और पहले भी कई जगतगुरुओं ने इस बारे में कहा है कि भाई ये साईं बाबा को मानने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम तो जगतगुरु जी का आदेश सर्वोपरि है कि हमें ना मंदिर बनाने की आवश्यकता है और गलती से किसी ने भूलवश बना लिया तो उन्हें अभी विसर्जन की आवश्यकता है।